उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सुजानगंज विकासखंड के मथुरा ग्राम सभा में बीते दो या तीन दिन पहले दो दलित समुदाय कामता प्रसाद व हीरालाल के बीच आपसी पुरानी जमीनी विवाद को लेकर आपस में लाठी डंडे से मारपीट कर लहूलुहान हो गए, जिसमें हीरालाल परिवार के फूलचंद, सीमा, गीता देवी व प्रियंका को ज़्यादा चोटें आई। वहीं मारने वाले कामता प्रसाद के परिवार के अरुण कुमार, अरविंद कुमार आदि लोग शामिल थे। वहीं ग्राम सभा प्रधान रियासत अली को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हीरालाल के परिवार को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टरी मुआयना करा के पुलिस थाना मछलीशहर में कामता प्रसाद व उनके परिवार वालों के खिलाफ NCR दर्ज करवाया। वहीं प्रधान ने बताया कि गांव के कुछ विरोधी लोग चुनावी रंजिश के कारण मेरा नाम व छवि बदनाम करने में लगे हैं, जो कि हीरालाल के परिवार वालों के साथ ले जाकर मेरे खिलाफ भड़काकर मीडिया में मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बयान दर्ज करवाया गया है। मैं भी ऐसी मीडिया को कड़ी निंदा करता हूं, जो कि मेरा बयान कुछ लिए बिना जो ऐसा न्यूज चलाया जा रहा है। पेश है जैनूर से ब्यूरो रिपोर्ट जौनपुर। मेरा नाम रियासत अली, ग्राम प्रधान मथुरा विकासखंड सुजानगंज मछलीशहर जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश। बीते दो या तीन दिन पहले मेरे ग्राम सभा मथुरा में दो दलित समुदाय पट्टीदारों के लोगों ने आपसी पुरानी जमीनी विवाद में आपस में लाठी डंडे से मारपीट कर ली, जिसमें एक पक्ष को ज़्यादा चोटें आई। हमको सूचना मिलते ही मैं चोट लगने वाले पक्ष को जाकर मेडिकल मुआयना करवाया और मैंने दवा पट्टी मरहम के लिए कुछ मदद भी किया। फिर उनको पुलिस थाना ले जाकर दूसरे पक्ष के खिलाफ NCR उनके खिलाफ दर्ज कराया। वहीं चुनावी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण मेरे खिलाफ चोट लगने वाले पक्ष को मेरे खिलाफ भड़काकर मीडिया के सामने गलत बयान दिलवाकर हमको फंसाने और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं भी ऐसी मीडिया चैनल को कड़ी निंदा व बर्खास्त करता हूं, जो कि मेरा बिना बयान लिए मेरे खिलाफ न्यूज़ चलाया जा रहा है, जबकि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो अपने ग्राम सभा की जनता को एक निगाह से देखता हूं और जो कि NCR दर्ज हो गई है, जो भी कानूनन कार्रवाई होगी उसको प्रशासन अपने ढंग से देखेगा।